एक और तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं और भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी ना तो सीएम के आदेशों का पालन कर रहे हैं और ना ही कोई उचित कार्रवाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया गया। ये पूरा मामला है सहारनपुर के गंगो क्षेत्र का, जहां पर गांव चमनपुरा निवासी अनिल कुमार ने जन सुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि गांव के कुछ लोगों ने तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा लेखपाल को सौंपी गई। लेखपाल ने जांच की भी, गांव भी पहुंचे और दो लोगों के साइन भी कराए, लेकिन शिकायत का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया गया। जिन दो युवकों ने साइन किए थे, उन्होंने कहा कि लेखपाल ने अक्षमिक कार्ड बनवाने के नाम पर उनके हस्ताक्षर कोरे कागज पर लिए थे, जबकि गांव में तालाब पर कब्जा बरकरार है। योगी सरकार शिकायतों के निस्तारण के चाहे जितने बड़े वादे करें, लेकिन जो समस्या जीरो ग्राउंड पर है, वो समस्या आज भी जन समस्या बनी हुई है। और सरकारी कर्मचारी अपनी मनमर्जी से अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, घर बैठे ही पूरे मामले पर फर्जी गवाह दिखाकर और फर्जी तरीके से उसका निस्तारण कर अपने कार्य को इतिश्री कर देते हैं। जी, गांव में अतिक्रमण तो है, पर गांव में जब एक लेखपाल आया था तो हमसे बोलता, भैया आपके समक्ष कार्ड बन गए हैं, कार्ड किया हमारे से कोरा, उसका साइन करवा लिया, आप साइन कर लो, आप अगर आपके समक्ष कार्ड बन गया जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको क्या बाद में पता लगा, उसमें जो है जो साइन कराए थे उसके टोल के लिए बताए हमारे, तो क्या साइन करा, क्या क्या जाँच में तो उसको करना।